अस्सलाम वालेकुम, कराची स्ट्रीट लाइव की तरफ से मैं हूं शहबाज हैदर। जैसे कि आप जानते हैं, तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए नाहल किया गया है। तो हम आज आए कराची की मार्केट में, होलसेल मार्केट में, यहाँ पे हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे उनकी क्या राय है। सन्नाटा सन्नाटा हो गया है। जैसे आज इमरान खान को गिरफ्तार किया है, तो इस वजह से काम में आपके फर्क आया? बिल्कुल फर्क आया है। इन्हें इस टाइम पे हमारे पास काफी रश है, तभी पब्लिक भी नहीं है। देखो अगर आ रहे ना, पब्लिक नहीं है और इसी वजह से हम आए। हमने कहा यार, लोगों से जो कारोबार वाला बंदा मुतासर हो रहा है, तो उसके काम में क्या? मैंने भी ये सोचा, अभी थोड़ा मैं काम से गया, जिससे आया हूँ, बोले यार बिल्कुल सन्नाटा सन्नाटा हो गया। सियासी शऊर रखते हैं तो आप बताएंगे की इमरान खान की गिरफ्तारी मतलब सही हुई है, जायज हुई है, मतलब क्या? बिल्कुल गलत हुई है, बिल्कुल राइट है। इमरान खान की गिरफ्तारी पे क्या कहेंगे? इमरान खान को गिरफ्तार किया, चोरी का इल्जाम लगाया उनके ऊपर, तोशाखाना में 3 साल की नाहल कर ली है। जो चोर है वो बैठा हुआ है, जो चोर है वो पकड़ा हुआ है, चोर नहीं वो पकड़ा हुआ है। अच्छा, इमरान खान गलत गिरफ्तार किया है? हाँ, गलत गिरफ्तार। तो आप इसके खिलाफ कोई आवाज उठाएंगे? क्यों नहीं उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? गलत आवाज, जो सही बंदा पकड़ लेते तो आवाज उठाएंगे। हाँ, वो सच्चा है, वो पाकिस्तान झूठा है। एक और भाई, इनसे राय जानते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी पे, आप क्या कहेंगे? इमरान खान को सही गिरफ्तार किया? नहीं, सही गिरफ्तार नहीं किया, गलत किया। ये गलत किया, तो इमरान खान को तो कोर्ट ने सजा दी है ना भाई? कोर्ट ने सजा दी ना, छोटा वो जज था उसने फैसला दे दिया ना। जज तो छोटा हो या बड़ा हो, जज तो जज है ना। जो जज तो जज, उसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया उसको, दूसरा हाई कोर्ट में बात कर रहा था, उस दोनों में नहीं हुआ। तो आप लोग क्या करेंगे इसके खिलाफ? इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। और आपकी आवामी आवाज उठाएंगे आप? हाँ, इंशाल्लाह उठाएगा। नाजीन, एक और भाई है, भाई से हम पूछेंगे, भाई इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तोशाखाना केस में, तो आप क्या, आपकी क्या राय है? आपको तो मैंने सही गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल गैर कानूनी है, इन लोगों ने गैर कानूनी काम किया। इंशाल्लाह कल परसों दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी दरख्वास्त दिए हुए, इंशाल्लाह वही से सही फैसला आएगा। नहीं तो वो तो ठीक है, फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, अभी भी कोर्ट का ही फैसला है, लेकिन आपको, आपकी क्या राय है कि इमरान खान को गिरफ्तार सही किया गलत किया है? ये गलत किया है। इमरान खान ने पहले ही बताया कि इस जज के ऊपर हमारा जो है ना आदम एतमाद नहीं है, तो फिर ये किस तरह फैसला सुना सकता है? ये बिल्कुल नाजायज है और ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ है। हमने अभी हम एक और दुकान पे खड़े में एक और भाई से जानेंगे कि इमरान खान की गिरफ्तारी पे आप क्या कहेंगे? इमरान खान को गिरफ्तार किया सही किया? नहीं, गलत किया। क्यों? उसको तो कोर्ट ने कहा है भाई उन्होंने चोरी की है, कोई अपने एहसास से डिक्लेयर नहीं किए। सब ने चोरी किया, सब ने अपना चोरी कर कर के जो है ना दूसरे मुल्कों में भागे, तो उसको भी पकड़ के लाए, उसके ऊपर भी मुकदमे चलाए, उसको क्या पकड़ के नहीं ला सकते? इमरान खान जो इधर बैठा हुआ है, सब मुकदमों का सामना कर रहे, उसको बिलावा जब पकड़ के गिरफ्तार कर दिया। हम लोग को इमरान खान से प्यार है और उससे मोहब्बत है, पहले तो नहीं था, मगर अभी दिन ब दिन इससे मोहब्बत बढ़ती जा रही है। ना तो हम किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते और ना हम किसी सियासी पार्टी में है, मगर मैं इमरान खान से हम दिल से मोहब्बत करते हैं। तो मतलब आपको उसके ऊपर जो भी इल्जाम है आप उसको इतने मुतमइन नहीं है? नहीं नहीं, हम उसके ऊपर मुतमइन नहीं है, उसको खामखा ये पीडीएम वाले जो है ना सारे मिल के उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वोट जीत जाए, ये सब मिले हुए सारे मिल के जो है ना उसको एक साइड में कर रहे हैं और उसको बिला वजह फंसाया हुआ है। आज इमरान खान की जैसे गिरफ्तारी तोशाखाना केस में 3 साल की, तो हम लोगों से आवाम की राय जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं उनकी गिरफ्तारी भाई दुरुस्त हुई इमरान खान? नहीं, बिल्कुल गलत हुई है। इमरान खान को भाई अदालत ने कहा है कि वो चोरी की उन्होंने? नहीं, कोई चोरी नहीं की है। चोरी पे अगर आ जाए तो चोरी सबसे ज्यादा सब सुनाए ना, फिर कट्टा जो केस है तोशाखाने का वो सब सुनाए, इसको मौका नहीं देता ये बिल्कुल बाकी को बता रहा है आप तोशाखाना का गवाह पेश करे, कोई कागजात पेश करे, वो डॉक्यूमेंट्स कोई इन लोग के पास नहीं, इसके पास है, इसको मौका नहीं दे रहा, ताकि ये जो गवाह बोल रहे हैं वो गवाह पेश नहीं करे, ये गवाह का मौका दे दे, गवाह भी पेश करेगा, जिस चीज़ का इससे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब भी बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद ये बस पाकिस्तान है। चलो, इनको गिरफ्तार कर लिया, इनको कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, 2 से 3 दिन के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, इमरान खान को बंद कर दिया, इलेक्शन जब तक ये जब गिरफ्तार होगा तब इलेक्शन होगा, या नाहल करेगा, अभी तो किया, लेकिन ये फिर अगर इसका कामयाब हो गए, अब आप क्या करेंगे? अगर काला दम करार दे दिए हैं चीफ जस्टिस साहब ने या फिर आगे और बड़ों ने, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया, सुप्रीम कर लेगा इंशाल्लाह, 2-3 दिन तक आ जाएगा। उन लोगों ने अपील दर्ज की है ना, अपील की है उस लोगों ने, अभी आवाम को दबा दिया, आवाम निकल रहे, केपीके में निकल रहे, सिर्फ सिंध में अगर नहीं निकल रहे अलग बात है, पूरा पंजाब में निकल रहा है, लाहौर में निकला हुआ है, रावलपिंडी में निकला हुआ है, केपीके पूरा निकला हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई दिखाता नहीं है मीडिया पे, मीडिया पे नहीं दिखाते, और मीडिया पे ये असल में जो है ना ये तब इलेक्शन करेगा जब इमरान खान को जैसा नाहल किया है अभी, अगर ये वापस ये काला दम करार दे दिए फैसला ये फिर भी नहीं करेगा इलेक्शन, जब तक इमरान खान होगा पाकिस्तान में कभी इन लोग का बाप भी इलेक्शन नहीं कर सकते।
कोई भी नहीं कर सकता। जैसे नाज़रीन जैसे टीवी पे नहीं दिखा रहे, उनका नाम लेना एक गुनाह हो गया पाकिस्तान में, तो हम सोशल मीडिया पे उनकी आवाज उठाते रहेंगे, हम दूसरे भी लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, हुई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो यही चाहते हैं बस ये अपने बेटे आपस में अपने मसाइल हल करे और मुल्क की तरफ तवज्जो दे और मईशत की तरफ तवज्जो दे, ये झगड़े आपस के खत्म करे। खत्म करे मतलब कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बुनियादी मकसद महंगाई है। हाँ महंगाई है, बस ये आपस में बेटे मुल्क अंदरूनी और बुरनी दोनों हिसाब किताब जो है ना इसको हल करे और बेटे आपस में इत्तेफाक होएगा तो आवाम को फायदा होगा, ये झगड़ेगा तो आवाम को फायदा नहीं है। मतलब ये कि आप इनकी वजह से आपके कारोबार में भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है ना, ये आपस में आप देखो ना कोई भी ऐसा बड़ा इशू होता है उस दिन मार्केट में काम नहीं होता। तो अभी आपके कारोबार में क्या फर्क आया? अभी बहुत फर्क आता है ना, लोग डरे होते हैं, सिर्फ बाहर नहीं निकलते, बोलते ऐसा नहीं कोई ऐसा हंगामा हो जाए, रोड मोड बंद हो जाए, तो इस वजह से लोग फिर बाहर नहीं आते। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय जानी, वो राय हमने आप तक पहुँचाई, जो उन्होंने कहा वो हमने आपको सुनाया, मीडिया पे उनको दिखाया नहीं जा रहा इमरान खान को या तो उनकी पार्टी के हवाले से, तो जो भी आवाम की राय हमने वो पहुंचाई है आप तक, फैसला आवाम का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।